हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आज मैं बहुत ही अच्छी सी फेयरी टेल लेके आई हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो चलिए अपनी स्टोरी का टाइटल जानते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है स्नो वाइट एंड सेवन ड्वार्फ्स। स्नो वाइट, स्नो मीन्स होता है बर्फ, वाइट मीन्स सफ़ेद। तो यहाँ पे ये इसका अर्थ ये नहीं है, मीन्स यहाँ पे स्नो वाइट एक नाम है एंड और सेवन ड्रॉप्स, सेवन मीन्स सात, ड्रॉप्स मतलब बौने। स्नो वाइट, स्नो वाइट एक परी है, एक फेयरी है जिसका नाम स्नो वाइट है, और उसके साथ कौन और कौन लोग हैं? सेवन ड्रॉप्स मीन्स सात बौने जो छोटे कद के होते हैं, उन्हें ड्रॉप्स कहा जाता है। तो इन्हीं दोनों के ऊपर कहानी है। तो चलिए अब स्टोरी को हम रीड करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वहाँ वॉज थी अ ब्यूटीफुल, एक सुंदर प्रिंसेस, एक सुंदर राजकुमारी थी वहाँ पे। हु गॉट, हु मीन्स जो, गॉट मीन्स होना, पाना, करना, मैरिड, मैरिड मीन्स शादी की थी, टू अ वेल्दी प्रिंस, वेल्दी मतलब एक धनी राजकुमार के साथ उसने विवाह किया था, शादी की थी। बिसाइड देयर पैलेस, बिसाइड मीन्स पास में, देयर उनके पैलेस, जो राजा, जो राजकुमारी और राजकुमार थे उनके पैलेस में, मतलब उनके महल के पास, स्नोफॉल, स्नोफॉल मीन्स होता है हिमपात, मीन्स बर्फ गिरना, कवर्ड, कवर्ड मतलब फैल जाना, मीन्स पूरा कब्जा कर लेना, ऑल द एरियाज, ऑल मीन्स सभी एरियाज, मीन्स सभी क्षेत्रों में पूरी चारों ओर बर्फ से ढकी हुई थी। जो क्षेत्र था जहाँ पे उनका पैलेस था, वो पूरा क्षेत्र, पैलेस पूरा बर्फ से ढका हुआ था। द ब्यूटीफुल प्रिंसेस, सुंदर राजकुमारी सैट, बैठी थी बिसाइड, पास में, द विंडो, खिड़की के पास बैठी थी, एंड और गेज्ड, गेज्ड मतलब होता है टकटकी लगाना, गेज्ड एट इट, और वो टकटकी लगा के जो स्नोफॉल हुआ था, मीन्स बाहर जो बर्फ गिरी हुई थी या गिर रही थी, उसे एक टक देखती रहती थी। मीन्स कभी कभी हम कहीं भी बैठ जाते हैं, खिड़की के पास बैठ जाते हैं, तो बाहर एकदम गुम होकर एक टकटकी लगाकर, मीन्स अपनी नज़रों को गड़ाकर देखने लगते हैं बाहर। उसी प्रकार वो जो राजकुमारी थी, वो भी बैठकर खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रही थी। गेज़ मतलब टकटकी लगा के देखना, घूरना। वाइल गेजिंग, वाइल मीन्स जब, गेजिंग जब वो टकटकी लगा के देख रही थी, देखती थी, शी यूज्ड, यूज्ड टू मीन्स होना है, यूज्ड टू मतलब होता है करना, मीन्स रेगुलर वो काम करना, आदि होना, नीट, नीट मीन्स बुनना, हर ग्लव्स, अपने दस्तानों, ग्लव्स मीन्स होता है दस्तानों, वो अपने दस्तानों को बुनती थी। जब वो खिड़की पर बैठ जाती थी तो बाहर भी देखती रहती थी और दस्ताना बनाने लगती थी, सिलाई बुनाई करने लगती थी। समटाइम्स कभी कभी, शी गॉट, शी व गॉट हो जाती थी, ऊंड, ऊंड मीन्स होता है घायल हो जाना, बिकॉज क्योंकि ऑफ हर गेजिंग, क्योंकि बिकॉज ऑफ मीन्स क्योंकि, हर गेजिंग अपनी गेजिंग एट मीन्स टकटकी लगाने के कारण, द स्नो, द वाइट स्नो मीन्स जो सफ़ेद बर्फ गिरी रहती थी, उसे एक लगातार देखती रहती थी और उसी में सिलाई भी करती, बुनाई भी करती रहती थी, जिसकी वजह से सारा ध्यान वो बर्फ, जो बर्फ पे ही लगाती थी, और इस वजह से कभी कभी वो घायल हो जाती थी, उसके हाथ घायल हो जाते थे। वोन मीन्स होता है घायल होना। विदाउट चिल्ड्रेन, बिना बच्चों के, विदाउट मीन्स बिना, चिल्ड्रेन बिना बच्चों के, शी वॉज मॉर्बिड, मॉर्बिड मीन्स होता है उदास होना, रोगी होना, मीन्स शरीर खराब होना, ऑल्सो बिना, जब क्योंकि उसके बच्चे नहीं थे, इस वजह से वो थोड़ा दुखी रहती थी और थोड़ा परेशान रहती थी। शी व प्रेड, प्रार्थना करती थी, प्रेड मीन्स प्रार्थना करती थी, टू गॉड, भगवान से, सो दैट, ताकि, शी माइट, माइट मीन्स संभव होना, होना, मेक अ पास्ट टेंस है, माइट, माइट मीन्स संभव होना, होना, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, मीन्स माइट मीन्स संभव होना, शी माइट हैव मीन्स पास में अ ब्यूटीफुल, एक सुंदर डॉटर, एक सुंदर बेटी हो, एज फेयर, एज फेयर जैसी, फेयर एंड वाइट एज स्नो, जैस वो ऐसी सुंदर हो जैसा कि सफ़ेद होता है, बर्फ जैसा सफ़ेद होता है, वैसी उसे एक सुंदर सी बेटी चाहिए थी।
वो भगवान से प्रार्थना करती कि मुझे बर्फ जैसी, जैसा बर्फ सफ़ेद होता है उसी की तरह सुंदर एक सुंदर सी बेटी चाहिए। द गर्ल शुड हैव ब्लैक हेयर, जो लड़की हो शुड मीन्स होना चाहिए, चाहिए हैव ब्लैक हेयर, उस लड़की को काले बाल हों, रोजी चीक्स मीन्स गुलाबी चीक्स हों, गाल हों, एंड रोजी लिप्स और उसके गुलाबी लिप्स हों, गुलाबी ओठ हों। मतलब वो भगवान से प्रार्थना करती थी कि मुझे एक बेटी दें जो बर्फ़ जैसी, बर्फ़ जैसा सफ़ेद होता है उस तरह से वो सुंदर हो, मीन्स उतनी सफ़ेद हो, और उसके काले बाल हों, उसके गाल गुलाबी हों, उसकी ओठ गुलाबी हों। मीन्स भगवान से वो प्रार्थना करती थी क्योंकि उसके बच्चे नहीं थे, और वो भगवान से प्रार्थना करती थी कि काश उसे एक बेटी होती। शी वॉज सक्सेसफुल, वह सफल हुई। सक्सेसफुल मतलब होता है सफल होना। इन में हर अपने ड्रीम, अपने सपने में जो उसका सपना था वो सच हो गया, सफल हो गया। इन द कोर्स ऑफ टाइम, इन द कोर्स ऑफ टाइम मीन्स समय के साथ ही, द लिटिल गर्ल मीन्स जब समय आया, इन द कोर्स ऑफ टाइम मीन्स समय के साथ ही, जब समय आया, द लिटिल गर्ल एक छोटी लड़की, वॉज बॉर्न एक छोटी सी बच्ची ने जन्म लिया, बॉर्न मीन्स जन्म लेना। Everyone was delighted. Delighted means खुश होना, प्रफुल्लित होना। सभी लोग खुश हो गए to hear, सुनकर the news, यह जो news थी, समाचार थी, यह सुन के वे लोग बहुत ही खुश हो गए। The girl was called, जो लड़की थी, called means बुलाया जाने लगा, Snow White, उस लड़की को Snow White कहा जाने लगा क्योंकि वो एकदम बर्फ की तरह सफ़ेद थी, जैसे बर्फ होती है ना उसी तरह वो भी थी और बहुत ही सुंदर थी, तो इसी वजह से उस लड़की को Snow White कहा जाने लगा। Soon, जल्द ही, द प्रिंसेस जो राजकुमारी थी, बिकेम इल, बीमार, बिकेम मीन्स हो जाना इल, जल्दी वो बीमार हो गई, एंड डाइड और मर गई, डाइड मीन्स मर जाना, जो स्नो वाइट थी उसकी मदर जल्द ही बीमार हो गई और वो मर गई। इट वॉज शॉर्ट ऑफ डिप्रेशन, शॉर्ट ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मीन्स होता है उदास होना, परेशान होना, मीन्स बहुत ही दुखी होना। तो ये जो जब उसकी माँ चली गई तो ये स्नो वाइट के लिए बहुत ही बड़ा दुख था, बहुत ही बड़ा कष्ट था। द लिटिल गर्ल जो छोटी लड़की थी, वॉज टू स्मॉल बहुत ज़्यादा, टू मीन्स बहुत ज़्यादा छोटी थी, टू बियर सहन करने के लिए, ईट मीन्स अपनी माँ की कमी को सहन करने के लिए जो स्नो वाइट थी बहुत ही छोटी थी। द प्रिंस थॉट, राजकुमार ने सोचा ऑफ का अपॉइंटिंग नियुक्त करने की, समवन किसी को, टू टेक केयर देखभाल करने के लिए, ऑफ हिज डॉटर अपनी बेटी का। जब उसकी बेटी बहुत ही दुखी रहने लगी, उदास रहने लगी और खोई खोई सी रहने लगी, तो राजकुमार ने सोचा कि अब मीन्स बेटी का ख्याल रखने के लिए कोई तो रहना चाहिए, और इसी वजह से उसने किसी को मीन्स कुछ उपाय निकाला, एंड और दैट वाज वाई इस तरह प्रिंस राजकुमार ने गॉट मीन्स हो जाना, मैरिड मीन्स शादी कर लिया, टू सेकेंड प्रिंसेस कोई मीन्स दूसरी राजकुमारी से शादी कर लिया, अपनी बेटी को खुश करने के लिए, अपने बेटी का देखभाल करने के लिए राजकुमार ने दूसरी शादी कर ली। द न्यू क्वीन जो नई राजकुमारी थी, वॉज समवॉट मीन्स होता है कुछ हद तक इनडिफरेंट मतलब होता है अलग होना, मीन्स उदासीन होना, टू स्नो वाइट जो राजकुमार की बेटी थी स्नो वाइट, उसके प्रति उसका व्यवहार थोड़ा अलग था, जो नई राजकुमारी आई थी उसका व्यवहार स्नो वाइट के प्रति बिल्कुल ही अच्छा नहीं था, मीन्स डिफरेंट था। शी वॉज मोर केयरफुल टू हर ओन ब्यूटी, जो न्यू क्वीन थी, जो नई रानी थी, मोर केयरफुल बहुत ज़्यादा केयरफुल थी, मीन्स ध्यान देती थी, टू हर अपने मीन्स अपना ओन खुद की ब्यूटी, अपनी खुद की सुंदरता के लिए बहुत ही जागरूक थी, मीन्स अपनी अपना बहुत ज़्यादा वो ध्यान रखती थी। शी वॉज वेरी एम्बिशियस ऑल्सो, एम्बिशियस मीन्स होता है महत्वाकांक्षी, मीन्स जिसकी इच्छाएँ बहुत ज़्यादा हों,
मोर डिमांडी मीन्स वो जो नई रानी थी वो बहुत ही महत्वाकांक्षी थी, डिमांडी थी मीन्स अपनी इच्छाओं को सर्वोपरि रखती थी, मीन्स जो उसे चाहिए वो सबसे पहले उसे चाहिए और बाद में वो किसी को देखती थी। शी केप्ट वो रखती थी अ मैजिकल मिरर, केप्ट मीन्स रखना, अ मैजिकल जादुई मिरर, उसके पास जादुई शीशा था। शी ऑलवेज वह हमेशा इंटरेक्टेड, इंटरेक्टेड मीन्स होता है बातचीत करना, विथ साथ में हर मिरर अपने शीशे के साथ वह हमेशा बातचीत किया करती थी। वन डे एक दिन शी वह वांटेड चाहती थी टू नो जानना फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम से द मिरर अपने शीशे से जानना चाहती थी। कैन यू टेल मी, कैन यू मीन्स कैन मतलब सकना, यू तुम, टेल मी बताओ मुझे, क्या तुम मुझे बता सकते हो, हु इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, हु मीन्स कौन, सबसे मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा सुंदर, ब्यूटीफुल वुमेन औरत इन द वर्ल्ड पूरी दुनिया में सबसे सुंदर औरत कौन है। उसने अपने शीशे से पूछा क्योंकि वो अपने शीशे से हमेशा बात किया करती थी। तो एक दिन उस जो नई राजकुमारी थी वो पूछ बैठी कि सबसे ज़्यादा सुंदर पूरी दुनिया में कौन है। शी वॉज सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मीन्स होता है संतुष्ट होना, वह संतुष्ट थी इन हियरिंग, इन मीन्स में हियरिंग सुनकर दैट कि इट वॉज शी, इट वॉज शी मीन्स वह, इट वॉज वह मीन्स वो जो सबसे सुंदर है पूरे दुनिया में वो वह है, मीन्स वो जो नई राजकुमारी वो अपने आप को सुंदर समझती थी और वो सुनना भी पसंद करती थी कि कोई भी उसे ही सुंदर कहे, तो उसे सुनकर अपने आप की बड़ाई सुनकर उसे बहुत ही संतुष्टि मिलती थी। शी हेल्ड हर सेल्फ, शी वह हेल्ड मीन्स रखना, हर सेल्फ अपने आप को इन मे एलिवेटेड, एलिवेटेड मीन्स होता है उच्च, सबसे ऊँचा पोजिशन, सब स्थान, वह अपने आपको सबसे ऊंचा समझती थी, वो सबसे ऊपर है, ये उसके मन में ये था कि वो सबसे ऊपर है और वो सबसे बेस्ट है, सबसे सुंदर है। बाय द टाइम जब तक स्नो वाइट जो By the time जब तक स्नो वाइट जो स्नो वाइट थी हैड ग्रोन अप बड़ी हो गई, ग्रोन अप मीन्स बड़ा होना, एज लेस ऑफ 16 ईयर्स मीन्स वो अब जब धीरे धीरे वो 16 साल की हो चुकी थी स्नो वाइट, एज जैसा कि स्नो वाइट जो स्नो वाइट थी वॉज ब्यूटीफुल जो कि सुंदर थी, सो अतः द क्वीन बिकेम सस्पिशियस ऑफ हर ब्यूटी, इसलिए जो रानी थी बीकेम हो गई थी सस्पिशियस, सस्पिशियस मीन्स होता है संदेहजनक, डाउटफुल होना ऑफ हर ब्यूटी अपनी सुंदरता की, अपनी सुंदरता के लिए मीन्स उसे वो कंफ्यूज थी कि कौन सब मीन्स कौन सुंदर है, मैं कि स्नो वाइट मीन्स इसमें उसके अंदर ये कंफ्यूजन चलता रहता था, पर उसे लगता था कि वही सबसे बेस्ट है, वही सबसे ज़्यादा सुंदर है। वन डे एक दिन शी आस्क्ड, क्वीन ने आस्क्ड पूछा द मिरर, फिर जब स्नो वाइट 16 साल की हो गई थी तो फिर से अब तब क्योंकि स्नो वाइट काफ़ी बड़ी हो गई थी, तब रानी के मन में संदेह चलता था कि हु इज़ द बेस्ट मतलब कौन सबसे ज़्यादा सुंदर है, और उसके मन में ये क्वेश्चन हमेशा उठता रहता था, तो इस वजह से उसने अपने मिरर से जिससे हमेशा वो बातें किया करती थी और पूछा करती थी कि हु इज़ ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड, कौन है सबसे ज़्यादा सुंदर, फिर उसने एक दिन जब बड़ी हो गई स्नो वाइट, फिर उसने रानी ने अपने मिरर से सवाल पूछा, एम आई मोस्ट ब्यूटीफुल आर नॉट, शीशे से उस क्वीन ने क्वेश्चन किया क्या मैं सुंदर हूँ या नहीं, बट द मिरर जो शीशा था डिसर्टेन, डिसर्टेन मीन्स होता है निराश होना, हर बाय सेइंग मीन्स उससे यह कहने में थोड़ा निराश होके कहा कि स्नो वाइट वॉज मोर ब्यूटीफुल, स्नो वाइट जो है वो ज़्यादा सुंदर है देन हर, उससे मीन्स क्वीन से ज़्यादा सुंदर स्नो वाइट है। शी बिकेम एनवियस ऑफ स्नो वाइट, जब शीशे ने उसके मिरर ने ये कहा कि स्नो वाइट तुमसे ज़्यादा सुंदर है, तो वो क्वीन एनवियस मीन्स थोड़ा जलन करने लगी स्नो वाइट, स्नो वाइट से थोड़ा ईर्ष्या करने लगी। शी प्लान्ड वह योजना बनाई टू मर्डर, मर्डर मीन्स होता है कत्ल करने की, उसे मारने की स्नो वाइट को, और क्वीन ने एक योजना बनाई कि क्यों ना स्नो वाइट को ख़त्म कर दिया जाए। शी ऑर्डर्ड उसने ऑर्डर दिया, आदेश दिया सोल्जर्स को सैनिकों को टू मर्डर, मर्डर मीन्स कत्ल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हर स्नो वाइट को इन द फॉरेस्ट जंगल में, और उसने सैनिकों को ऑर्डर किया कि स्नो वाइट को जंगल में ले जाके
वहाँ पे ख़त्म कर दो, सो दैट ताकि नोबडी कोई नहीं वुड बी एबल टू नो इट, और सो दैट मीन्स ताकि नोबडी कोई नहीं वुड बी एबल, कोई भी नहीं योग्य हो जानने के लिए, नो इट मीन्स ये जो भी चीज़ें कि स्नो वाइट को मारा गया किसी को भी पता ना चले, इस वजह से तुम उसे जंगल में ले जाके उसे ख़त्म कर दो। जो रानी थी वो अब समझ गई कि स्नो वाइट सबसे सुंदर है, सबसे बेस्ट है, और इस वजह से उसे जलन होने लगी। तो क्वीन ने सैनिकों को ऑर्डर किया कि जंगल में ले जाकर स्नो वाइट को मार डालो, और जंगल में ले जाओगे और वहीं पे मारोगे तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। एज सुन एज जो ही द सोल्जर्स कॉट मीन्स पकड़े स्नो वाइट, जो ही सोल्जर्स ने स्नो वाइट को पकड़ा, दे वेयर स्टर्ड, स्टर्ड मीन्स होता है हिल जाना, कांप जाना, बाई द्वारा हर इनोसेंट मीन्स मासूम फेस, उसके मासूम से चेहरे को देखकर वे हिल गए, कांप गए, मीन्स इतना मासूम चेहरा था कि उनका जो मन बदल गया। सो इसलिए दे लेट हर फ्री, इसलिए उन्होंने जो सोल्जर्स थे उन्होंने उसे फ्री कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। स्नो वाइट को पकड़ लिए थे पर उसके मासूम से चेहरे को देखकर उनका दिल कांप गया और वे राजकुमारी को छोड़ दिए। एंड और रिक्वेस्टेड हर, और प्रार्थना किए, रिक्वेस्टेड मतलब प्रार्थना किए हर स्नो वाइट से टू स्केप फ्रॉम देयर, स्केप मतलब बच निकलने के लिए, फ्रॉम यहाँ से, फ्रॉम मीन्स से देयर मीन्स उसे कहा कि आप यहाँ से चली जाओ, कहीं भी चली जाओ, क्योंकि जो क्वीन थी उसकी जान की दुश्मन हो गई थी। दे थॉट, उन्होंने सोचा दैट कि दे वुड टेल, वे बोल देंगे, अ मेक, मेक मीन्स बनाकर, बिलीव विश्वास करने वाली स्टोरी, एक कहानी सुना देंगे, विश्वास करने वाली एक कहानी सुना देंगे टू द क्वीन, मीन्स उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा कि हम राजकुमारी को छोड़ देते हैं, इसे स्वतंत्र कर देते हैं, और हम कोई भी कहानी क्वीन को रानी को बता देंगे कि हमने ऐसे ऐसे राजकुमारी को मार दिया। दे वुड नॉट स्पीक द ट्रूथ, वे सच्चाई नहीं बताएंगे, दे वुड नॉट स्पीक मीन्स बोलना, द ट्रूथ सच्चाई नहीं बताएंगे, अगर अदरवाइज नहीं तो दे हैड फेस, उन्हें फेस करना पड़ेगा सेवियर, सेवियर मीन्स होता है गंभीर पनिशमेंट, पनिशमेंट मीन्स दंड, अगर उन्हें सच्चाई, अगर उन्हों जो सैनिक हैं वो सच्चाई बता देंगे कि हमने छोड़ दिया तो हमें बहुत ही गंभीर दंड का सामना करना पड़ेगा। फॉर नॉट, फॉर लिए नॉट मीन्स नहीं, अबाइडिंग हर ऑर्डर, अबाइडिंग मीन्स होता है पालन करना हर ऑर्डर, उसकी आज्ञा का, और अगर हम उसकी बता देंगे कि हमने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया है तो हमें बहुत ही गंभीर दंड मिलेगा और हमें वो दंड भोगना पड़ेगा, इस वजह से हम उन्हें कोई भी स्टोरी सुना देंगे कि हमने राजकुमारी को मार दिया। देन फिर स्नो वाइट, जो स्नो वाइट थी, जो राजकुमारी थी, गेज्ड एट, गेज्ड मींस देखने लगी, देम उन सैनिकों को मींस ध्यानपूर्वक देखने लगी, फॉर देयर काइंडनेस उनकी दयालुता के लिए, फॉर देयर, देयर मींस उनकी काइंडनेस दयालुता के लिए, क्योंकि उन्होंने उसकी जान बचाई थी, इस वजह से जो राजकुमारी है उन्हें देखने लगी। एंड और एस्केप्ड, एस्केप मींस बच निकली, फ्रॉम देयर वहाँ से वो बच निकली। द सोल्जर्स रिटर्न, सैनिक रिटर्न वापस आए, टू द पैलेस महल में वापस आए, एंड और सेड कहा दैट कि दे हैड बीन सक्सेसफुल, वे सक्सेसफुल हुए, वे सफल हो गए हैं इन देयर अटेम्प्ट, अपने प्रयास में वे सफल हो गए हैं, मतलब उन्होंने राजकुमारी को मार दिया है, ऐसा उन्होंने क्वीन से कहा। द हैप्पीनेस ऑफ क्वीन न्यू नो बाउंड्स, द हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मीन्स खुशी का, क्वीन की रानी के खुशी का, न्यू मीन्स जानना, नो बाउंड्स मीन्स कोई ठिकाना नहीं, मीन्स रानी की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब तो वो सबसे सुंदर हो गई थी, क्योंकि अब तो जो स्नो वाइट थी वो तो थी नहीं, अब वो नहीं होगी तो सबसे सुंदर कौन होगा, वो क्वीन ही होगी, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश थी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ स्नो वाइट, जो स्नो वाइट थी, केम अक्रॉस, सामने आई, केम अक्रॉस मीन्स सामने आना, अ लिटिल हाउस मीन्स उसके सामने चलते चलते एक छोटा सा घर आया, इन द फॉरेस्ट जंगल में, और वो क्योंकि वहाँ से वो चल निकली थी तो अब चलते चलते उसके सामने एक छोटा सा घर पड़ा। शी सॉ, वह देखी, देयर वहाँ वाज
द टेबल, वहाँ पे एक टेबल था इन द रूम, उस रूम में एक टेबल रखा हुआ था। द टेबल वॉज फिल्ड विथ, जो टेबल था फिल्ड भरा हुआ था विथ सेवन, सात टाइनी, टाइनी मीन छोटे सॉसर्स, सॉसर्स मीन्स होता है जिसमें छोटे छोटे बर्तन होते हैं, कटोरी और कटोरी जैसी होती है छोटा, जिसे जिसमें चटनी रखा जाता है, वो वैसे वैसे बर्तन रखे हुए थे। सेवन बॉल, छोटी कटोरियाँ रखी हुई थी। एंड सेवन स्पून्स, और सात चम्मच रखे हुए थे। शी ऑल्सो शॉ सेवन टाइनी बेड्स, और उसने देखा, शी ऑल्सो ऑल्सो मीन्स भी, से सौ देखा, सेवन सात टाइनी छोटे बेड्स, सात छोटे बेड रखे हुए थे इन अदर रूम्स दूसरे रूम में। बट परंतु ऑल सभी सीम्ड प्रतीत हो रहा था टू बी डिजर्टेड, डिजर्टेड मतलब सुनसान मीन्स सन्नाटा, छोटा सा घर था उसमें सन्नाटा पसरा हुआ था, और मीन्स वहाँ पे बर्तन थे, बेड थे और टेबल था, पर वहाँ पे बिल्कुल भी सुनसान था, एकदम सन्नाटा था। शी हैड अ ग्रेट मील एंड अ स्वीट स्लीप, अच्छे से खाना खाया एंड अ स्वीट स्लीप, और एक मीठी नींद लेने लगी वो। वहाँ पे बेड भी रखा हुआ था तो वो बहुत ही अच्छी वहाँ पे भरपेट खाना खा के वो वहाँ पे सो गई। स्नो वाइट को काफ़ी देर से भूख भी लगी थी और उसने देखा कि भोजन रखा हुआ है, सोने के लिए बिस्तर है, तो वो खा पी के अच्छे से आराम करने लगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये स्नो वाइट है और ये जो उस घर में रहते थे वे लोग हैं। तो आगे स्टोरी को रीड करते हैं। इट वॉज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ सेवन ड्वार्फ्स, इट वॉज य ड्वेलिंग, ड्वेलिंग मीन्स होता है आवास, रहने की जगह, प्लेस मीन्स जगह, मीन्स यह रहने का स्थान था ऑफ का सेवन, सात ड्वार्फ्स, जो सात बौने थे उनका आवास था, जहाँ पे सात बौने उस घर में रहते थे, जिस घर में स्नो वाइट गई थी उसी घर में सात बौने रहते थे। ड्वेलिंग प्लेस मतलब होता है रहने का स्थान, ड्वेलिंग मीन्स आवास, प्लेस मतलब स्थान। When जब the dwarfs जो बौने थे, जो छोटे कद के लोग थे, return वापस आए to their house अपने घर में, जब वे बाहर गए थे और बाहर से जब वो वापस return होकर अपने घर वापस आए, they got frightened, वे जो dwarfs थे got हो गए frightened, भयभीत हो गए, seeing देखकर that कि the house was occupied, occupied means होता है कब्जा कर लेना, means अधिक कृत कर लेना, बाई द्वारा अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की के द्वारा, मीन्स उस घर में एक सुंदर लड़की थी और क्योंकि और वो घर खाली था तो उन्होंने सोचा कि हम तो हैं नहीं, पर इस घर में ये सुंदर लड़की कौन है, और ये देखकर वे डर गए। दे वेयर इनग्रॉस्ड, वे लोग engrossed means सोचने लगे, व्यस्त हो गए, engrossed मतलब सोचने लगे, बिजी हो गए, इन डीप मीन्स गहरे थॉट, गहरे विचारों में डूब गए, मीन्स सोचने लगे, गहराई से सोचने लगे, ऑफ व्हाट टू डू, ऑफ व्हाट टू डू मीन्स क्या करना चाहिए, ये जो लड़की है हमारे घर में इसका क्या करना चाहिए, और यही सब चीज़ें उनके दिमाग में चलने लगीं। मीनवाइल, इसी दौरान, मीनवाइल मीन्स इसी दौरान, स्नो वाइट जो स्नो वाइट थी बिकेम हो गई अवेयर, सचेत हो गई, मीन्स जान गई ऑफ ड्वार्फ्स, बौनों के बारे में जान गई, क्योंकि वो भी जाग गई, और जाग गई तो वो भी शॉक्ड रह गई। बट शी वाज स्पीचलेस, परंतु शी वाज स्पीचलेस, अवाक रह गई, मीन्स अचंभित रह गई, मीन्स देखती ही रह गई, जैसा कि शी गॉट स्केयर्ड, शी व गॉट हो गई स्केयर्ड, मीन्स वो भी डर गई, बहुत ज़्यादा डरने लगी, क्योंकि ऐसे बौने लोगों को उसने देखा कभी नहीं था, और ड्वार्फ्स भी डर रहे थे, और उधर स्नो वाइट भी देखकर उन्हें डर रही थी। बट ऑल ऑफ अ सडन, परंतु अचानक से, द ड्वार्फ्स वांटेड, जो बौने थे वांटेड, चाहते थे टू नो, जानना, व्यस बाउट मीन्स होता है ठिकाना, वे कहाँ रहती है, ये सब चीज़ें जो बौने थे ड्वार्फ्स से जानना चाहते थे। वांटेड मतलब होता है चाहना, टू नो मीन्स जानना, हर व्यस बाउट मीन्स होता है ठिकाना, जहाँ पे वो स्नो वाइट रहती थी उसके बारे में वे जानने के लिए इच्छुक थे। दे, वे लोग अश्योर्ड, अश्योर्ड मतलब होता है आश्वासन देना, हर स्नो वाइट को, नॉट टू बी अफ्रेड, नॉट टू बी अफ्रेड मीन्स होता है, नॉट टू बी मीन्स डरो नहीं,
भयभीत मत हो, क्योंकि स्नो वाइट अनजान लोगों को देखकर डरने लगी और जो ड्वार्फ्स थे वो भी चौंक गए कि भाई ये कौन है। परंतु वे उस लड़की को, मिस स्नो वाइट को देखकर उसे आश्वासित किया कि नहीं नहीं तुमको डरना बिल्कुल भी नहीं है, मीन्स डरो मत हमसे। स्नो वाइट टोल्ड डेलिब्रेटली, डेलिब्रेटली मीन्स होता है सोच समझ कर, विचार कर कर, हर मीन्स स्नो वाइट डेलिब्रेटली हर लाइफ स्टोरी, और सोच समझ कर बहुत अपने मन में सब चीज़ों को सोच समझ कर उसने अपनी लाइफ, जीवन की स्टोरी, जीवन की कहानी उन ड्वार्फ्स को बताया, उन सातों ड्वार्फ्स के साथ अपनी जो स्टोरी थी उसे शेयर किया और सब कुछ उन्हें बता दिया। देन फिर द ड्वार्फ्स जो बौने थे टुक पिटी, टुक पिटी मीन्स होता है दया आना ऑन द गर्ल, ऑन पर द गर्ल, उस लड़की पर, स्नो वाइट पर उन्हें दया आ गई उसकी जो स्टोरी सुनकर, बौनों को स्नो वाइट पे दया आ गई। दे अश्योर्ड, उन्होंने दे जो ड्वार्फ्स थे उन अश्योर्ड आश्वासन दिया हर स्नो वाइट को दैट कि देयर वुड बी नो डेंजर इन दैट हाउस, यहाँ पर वुड बी नो डेंजर, यहाँ पे कोई भी खतरा नहीं होगा, इन दैट हाउस इस घर में, मीन्स यहाँ पे उसे कुछ भी खतरा नहीं हो सकता, मीन्स ये घर जो है उसके लिए सुरक्षित है। बट शी हैड टू डू, लेकिन शी हैड टू डू, उसे करना होगा ऑल द हाउस होल्ड वर्क, उसे मीन्स घर का काम करना पड़ेगा। ड्वार्फ्स ने कहा कि यहाँ पे तुम्हें कोई भी खतरा नहीं होगा पर तुम्हें घर का काम करना पड़ेगा। स्नो वाइट वॉज हैप्पी, स्नो वाइट वॉज हैप्पी, बहुत खुश थी। एंड एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड मतलब होता है अंजाम देना कार्य को अच्छी तरह, मीन्स कार्य को करना, इट मीन्स जो घर का काम था उसे करना नीटली, मीन्स सफाई से, करीने से, मीन्स अच्छी तरह वो घर का काम, घर के काम को अंजाम दी, मीन्स अच्छी तरह वो घर संभालती थी। बाई द टाइम, जब तक समय द्वारा स्नो वाइट, जो स्नो वाइट थी, बिकेम हो गई अ वेरी गुड फ्रेंड, एक बहुत अच्छी दोस्त हो गई ऑफ देम, मीन्स उन सेवन ड्रॉप्स की बहुत ही अच्छी दोस्त हो गई। जैसे जैसे समय बीतता गया स्नो वाइट और सेवन ड्रॉप्स की दोस्ती गहराती गई। सो आप देख सकते हैं कि ये स्नो वाइट है और ये सेवन ड्रॉप्स हैं, सो इनकी दोस्ती दिन प्रतिदिन गहराती गई। सो आज की स्टोरी हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि स्टोरी बहुत लेंदी है, तो आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।